verse says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. Welcome to the Jesus Calls Gujarat Prayer Festival. Jesus Calls a Prayer Festival Gujarat ko bahut swagat chhe. Jesus calls and God bless you. Yeshu tamne bolave chhe ane Prabhu tamne aashirvad ape. आने वाले आम चुनावों के लिए 29 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक पूरे देश में 72 घंटों की उपवास प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। आइए उस प्रार्थना सभा के समापन में भाई डॉक्टर पॉल दिनकरन के द्वारा दिए गए संदेश के एक भाग को सुने। After this 2014 election verdict, सन 2014 के इलेक्शन वर्डिक्ट, It is God's will to bring a new era in the governance of India. ये परमेश्वर की इच्छा है कि भारत की सरकार में पूरी तरह से एक नया era लेकर आए। And the governance of India is going to become glorious after these elections. और इन इलेक्शन के बाद में भारत की जो सरकार है वो सच में बहुत ही महिमामय होगी। Just now I met the press and everyone asked, this election is so crucial. हाल ही में मैं प्रेस से मिल चुका हूं और हर एक व्यक्ति ने मुझसे यही सवाल पूछा कि ये जो इलेक्शन है ये सच में बहुत ही पेचीदा दिखाई दे रहा है। And it looks like the verdict can never be predicted because so many parties are in the fray and it looks like There cannot be a unique verdict. और सबने यही कहा कि इसके बारे में जो अनुमान है ये अभी से नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि इसमें बहुत सी पार्टियां अभी इन दिनों में सामने आई है और किसी भी तरह से हम कोई भी अद्भुत बात नहीं कह सकते हैं। And I told them, मैंने उनसे कहा, That's the very reason why we have prayed the 72 hours. और यही तो कारण है इसीलिए हमने 72 घंटों तक प्रार्थना की है। We want the people of India to vote. हम चाहते हैं कि भारत के लोग वोट करें। But we want God to give the verdict. लेकिन हम चाहते हैं कि जो अंतिम निर्णय है वो तो केवल परमेश्वर की ओर से ही हो। Hallelujah! Hallelujah! That's why we have prayed. और इसीलिए हमने प्रार्थना की है। And when we pray, we believe God will perfect the verdict. और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर जो है वही अंतिम वचन को इस बात को साबित करेगा। The Holy Spirit told me, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, The governance of India will be glorious in the days to come. आने वाले दिनों में भारत की जो सरकार है वो सच में बहुत ही महिमामय होगी। If you believe it, would you clap your hands and give Jesus all the glory, telling him, I believe. अगर आप विश्वास करते, ताली बजाकर यीशु को सारी महिमा दे और कहे, मैं विश्वास करता हूं। And secondly, और दूसरी बात, there will be provisions for all the people of India. भारत के सारे लोगों के लिए, भारत के सभी लोगों के लिए निश्चय ही प्रयोजन होगा। And thirdly, और तीसरी बात, the emptiness in the minds, spirits and families of the Indian people will be filled with hope, with God's glory and with God's goodness after these elections verdict. In election ki baaton ke baad mein bhartiya logon ke man mein jo khalipan hai chahe wo unke parivar ke bare mein lekar ho ya kisi aur baat ke bare mein ho wo puri tarah se badal jayega aur uski jagah aasha परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की बातें होगी। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। एंड फोर्थली, और चौथी बात, मैथ्यू 17:21 सेज, मत्ती अध्याय 17 वचन 21 कहता है, दिस काइंड विल नॉट गो बट बाय फास्टिंग एंड प्रेयर। ये जो है उपवास और प्रार्थना के बिना नहीं जाती हैं। डैनियल 6:10, दानियल अध्याय 6:10, Daniel was a man of prayer, दानियल प्रार्थना का व्यक्ति था, but he was thrown into prison, लेकिन उसे जेल में फेंक दिया गया, because क्योंकि
the enemies of prayer made a way for the king to innocently pass an order, a law, criminalizing prayer and stopping people from praying. क्योंकि प्रार्थना के जो दुश्मन थे उन्होंने बड़ी युक्ति करके राजा को भरमाया और उसके द्वारा एक कानून पास करके लिया और इस तरह से बताया, इस तरह से बनाया कि उस जगह पर प्रार्थना करना मानो किसी तरह से कोई अपराध हो गया। Even the king could not help Daniel. राजा भी दानियल की मदद नहीं कर पाया। With tears and trembling, the king himself had to arrest him. बड़े आंसुओं के साथ और कांपते हुए स्वयं राजा को उसे बंदी बनाना पड़ा। But the only thing that saved Daniel was his prayer. लेकिन दानियल को केवल उसकी प्रार्थना ने ही बचाया। Praying in the spirit. आत्मा में प्रार्थना की। For his nation. अपने देश के लिए। For his people. अपने लोगों के लिए। Praying in the spirit. आत्मा में प्रार्थना की। Praying with revelation and fasting. प्रकाशन और उपवास के साथ प्रार्थना की। And living in righteousness. और धार्मिकता में वो जीवन जिया। When the time came. और जब समय आया। The king went to the lion's den. राजा सिंह की गुफा की ओर गया। And asked Daniel. और उसने दानियल से कहा। Did the God whom you serve faithfully save you, Daniel? हे दानियल, जिस परमेश्वर की तू विश्वास योग्यता से सेवा करता है, क्या उसने तुझे बचाया है? Daniel said. दानियल ने कहा। I am alive. मैं जीवित हूँ। O king. हे राजा। I have been righteous before you. मैं तेरे सामने धर्मी रहा हूँ। Righteous before the ruler. राजा के सामने धर्मी रहे। Righteous before God. परमेश्वर के सामने धर्मी। So God sent his angel and bound the mouth of the lions. परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर सिंह के मुंह को बंद कर दिया। I am alive. मैं जीवित हूँ। I am alive. मैं जीवित हूँ। What rejoicing would have been there in the kingdom? राज्य में कितना बड़ा आनंद हुआ होगा। Lions will come. सिंह आएंगे। And the people will be like lions. Bringing in edicts and orders and laws to stop you and me from praying. लोग तो सिंह के समान होंगे, नियम बनाएंगे ताकि आपको और मुझे प्रार्थना करने से रोक दे। लोग इस तरह से युक्ति करेंगे। But then, लेकिन फिर, thank God for the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। Romans 8:26 says. रोमियो 8:26 कहता है। The Holy Spirit helps us in our weaknesses. पवित्र आत्मा हमारी कमजोरी में हमारी मदद करता है। The Holy Spirit makes intercession. पवित्र आत्मा मध्यस्थी करता है। That alone will save us from the mouth of the lions. यही तो हमें सिंह के मुंह से बचा लेगा। And the Bible says in verse 24, Daniel 6:24. बाइबल कहती है दानियल 6:24 में। Men who had falsely accused Daniel were brought and thrown into the lion's den along with their wives and children before they reached the floor of the den. Lions overpowered them and crushed all their bones. जिन लोगों ने दानियल के विरुद्ध में युक्ति की थी उनको और उनके पूरे परिवार को सिंह की गुफा में फेंक दिया गया और इसके पहले कि वो नीचे तह तक पहुंचते सिंहों ने झपट कर उन पर हमला किया, उन्हें मार दिया और वो पूरी तरह से खत्म हो गए और इस तरह से सिंह की गुफा में पूरी तरह खत्म हो गए। Praying in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना। Fasting. उपवास। Righteousness through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा धार्मिकता। Is the only way. यही एक मार्ग है। To be free of people who will stop us from praying. ताकि उन लोगों से आजाद हो जाए जो हमें प्रार्थना करने से रोकते हैं। And finally, और अंत में, submission to God's will. परमेश्वर की इच्छा को समर्पित हो जाना। Look at Jesus Christ. यीशु मसीह को देखिए। He came in the flesh. वो शरीर में आया। He revealed God. परमेश्वर को प्रकट किया। But then the power of darkness came upon him. फिर अंधकार की सामर्थ्य उस पर आ गई। Luke 22:53. लूका 22 अध्याय 53। The power of darkness. अंधकार की सामर्थ्य। Came upon Jesus. यीशु पर आ गई। And he travailed. और वो पीड़ा और क्लेश उठाने लगा। His sweat came out as blood. उसका लहू जो है वो पसीने के रूप में टपकने लगा। He could not bear himself going to the cross and dying. वो खुद इस बात को सहन नहीं पर कर पाया कि वो क्रूस पर जाकर मर जाए। The darkness of the devil
brings the fear of death in our hearts. अंधकार की जो शैतान की जो ताकत है वही तो हमारे जीवन में दिल में डर लाती है. And the only thing that can overcome that is submitting ourselves to God's will. और उस पर जय पाने का एक ही तरीका है कि खुद को परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित कर दे. When we travail, जब हम क्लेश में पीड़ा उठाते हैं, our blood pressure goes up, our health fails and we suffer. हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हमारी तंदुरुस्ती चली जाती है और हम लोग जो है वो दुख उठाते हैं. But according to Hebrews 9:14, लेकिन इब्रानियों 9:14 के अनुसार, the Holy Spirit comes, पवित्र आत्मा आता है, takes our spirit, हमारी आत्मा को लेता है. In the midst of going to the cross, he says, Paul, pray, let thy will be done, Lord. और क्रूस पर जाते समय भी वो कहता है कि प्रार्थना करो कि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो जाए. God's will is always perfect and brings blessings. परमेश्वर की जो इच्छा है वो हमेशा सिद्ध होती है, वो आशीष लेकर आती है. And the Holy Spirit says, trust God. और पवित्र आत्मा कहता है परमेश्वर पर भरोसा रखो. The Holy Spirit will tell us in our spirit, trust God, Paul, and commit your life into the hands of God. Don't ask any questions and move ahead. बस यही कहेगा कि अपने दिल में परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से भरोसा रखे, उससे कोई भी सवाल न पूछे और बस भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते चले जाए. That's what Jesus said. यीशु ने यही कहा. In Matthew 10:37-39. मत्ती अध्याय 10 वचन 37-39 में. If a man tries to save his life, he will lose it. अगर मनुष्य अपने जीवन को बचाना चाहे, तो वो उसे खो देगा. If he loses his life for my sake, the name of Jesus, he will gain his life. लेकिन अगर वो मेरे लिए अपना जान अपनी जीवन देता है यीशु के नाम के लिए, तो वो निश्चय अपना जीवन पाएगा. That's what Paul says. पौलुस यही तो कहता है. We will read Acts 20:24. हम प्रेरित अध्याय 20 वचन 24 पढ़ेंगे. We will read it. इसे पढ़ेंगे. It's so beautiful. That's what the Holy Spirit makes us say. यही तो बहुत ही सुंदर है और पवित्र आत्मा चाहता है कि हम यही कहे. परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को पूरा करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है. आमेन. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. I have received the ministry from the Lord Jesus Christ. मैंने प्रभु यीशु मसीह से सेवकाई पाई है. I am not concerned about my life. मैं अपने जीवन की परवाह नहीं करता हूँ. I will run my race. मैं अपनी दौड़ दौड़ूंगा. I'll run my race. मैं अपनी दौड़ दौड़ूंगा. Fulfill the will of God. परमेश्वर की इच्छा पूरी करूंगा. That is all I need to fulfill His will concerning the ministry He has given me. जो सेवकाई मुझे दी गई है उसे पूरा करने के लिए मुझे बस केवल इसी चीज की जरूरत है. That was the heart of Jesus. ये यीशु का दिल था. In Philippians 2:5-10. फिलिप्पियों अध्याय 2:5-10 में. The Bible says, "Let this mind of Christ be in you." बाइबल कहती है कि मसीह का ये मन तुम में भी हो. He became a servant. कि वो दास बन गया. A bond servant, एक बंधा हुआ दास, and humbled himself even unto death. उसने मृत्यु तक अपने आप को नम्र कर लिया. Then God gave him a name above every name. और फिर परमेश्वर ने उसे वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है. Because he chose to do God's will, even giving his life to die. और उसने परमेश्वर की इच्छा को चुना और यहाँ तक कि अपने जीवन को मरने के लिए दे दिया केवल इसी के कारण. God has given him a great name on earth today. परमेश्वर ने आज उसे इस पृथ्वी के ऊपर में सबसे महान नाम दिया है. God has given a great name under the earth for Jesus to make every knee bow. परमेश्वर ने उसे महान नाम दिया है कि यहाँ तक कि पृथ्वी के नीचे के हर एक घुटने उसके सामने टिक जाए. God's Holy Spirit will give us that spirit. परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें वो आत्मा देगा. Not afraid of our life. हमें अपने जीवन से नहीं डरना है. Not afraid of our life. हमें अपने जीवन के लिए नहीं डरना है. But only fearing to do the will of God and fulfilling the ministry that He has given us. लेकिन बस डर मानना है कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें और जो सेवकाई उसने हमें दी है उसे हम पूरा कर दे. Then God will shake the nation. और फिर तभी परमेश्वर देश को हिला देगा. Haggai 2:6-10.
हग्गई अध्याय 2:6-10। God is going to do it through you. परमेश्वर यह आपके द्वारा करेगा। That is a spirit God is going to send in the next few years amongst you who carry His name. अगले कुछ सालों में आप लोग जो उसके नामों को लेकर चलते हैं, इन आप लोगों के बीच में परमेश्वर अपनी आत्मा भेजेगा। And this is going to happen all across the nation. और ये पूरे देश में होने वाला है। And then you will see. और तब आप देखेंगे। The Lord coming with us. परमेश्वर हमारे संग आता है। And confirming the word with signs, wonders, and miracles. और चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत कामों के द्वारा वचन साबित करता है। Mark 16:20 will come to pass in India. मरकुस अध्याय 16:20 भारत में पूरा हो जाएगा। The Lord went with his disciples. परमेश्वर अपने चेलों के संग संग चला। Who never counted their life as precious, but counted doing the will of the Father, the ministry of God. जिन्होंने अपनी जान को कीमती नहीं समझा, लेकिन परमेश्वर की इच्छा, पिता की इच्छा और यीशु की जो सेवकाई थी, परमेश्वर की सेवकाई को पूरा करना चाहा। We are going to see the greatest miracles, signs and wonders in our nation in the next few years from now on. अब से आगे हम अपने देश में सबसे महान और सबसे अद्भुत ऐसे चिन्ह और चमत्कार देखने वाले हैं जो इसके पहले कभी भी नहीं हुए हैं। We will finally read Acts 2:17-21. हम अंत में पढ़ेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 2:19-21 तक। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और प्रसिद्ध दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू हो जाएगा और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। वचन कहता है और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और प्रसिद्ध दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू हो जाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। Amen. Amen. God is going to do signs, wonders and miracles. परमेश्वर चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत काम करेगा। And then those who worship the name of the Lord all across the nation will be saved. और फिर जो पूरे देश में परमेश्वर के नाम की आराधना करते हैं वो उद्धार पाएंगे। There will be many who call on the name of the Lord across this nation and we are going to see the greatest saving power of God flowing across the nation from this time forth in answer to our 72 hours prayer. If you believe it, would you give the Lord a big hand clap and praise the Lord? बहुत से लोग पूरे इस देश में परमेश्वर के नाम को पुकारेंगे और हम परमेश्वर की सबसे महान उद्धार की सामर्थ को देखेंगे। अब से लेकर आगे वो बहती चली जाएगी हमारे 72 घंटों की प्रार्थना के उत्तर के रूप में। अगर आप विश्वास करते हैं तो हाथ उठाएं और जोर से ताली बजाएं और कहे प्रभु की स्तुति हो। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Father, पिता, we thank you for all the miracles that you performed according to your promise that you gave to thy children. तेरे वायदे के मुताबिक जो आशीष तूने बच्चों के लिए दिया, धन्यवाद देते हैं। Thank you for speaking through us to the people. धन्यवाद कि हमारे द्वारा तूने लोगों से बातें किया। Thank you for giving us the word. धन्यवाद उस वचन देने के लिए। We give you all the glory, Lord Jesus. प्रभु यीशु हम सभी सम्मान तुझी को देते हैं। And now we pray. और अब हम प्रार्थना करते हैं। Please, Lord, fulfill all your promises and all your plans that you have for your children. प्रभु आपने सभी वायदे तेरे बच्चे के लिए जो है उसको पूरा करें। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Let God's plan be fulfilled in their lives today. परमेश्वर की योजना उनके जीवन के लिए आज पूरी हो जाए। They have supported your ministry, Lord. प्रभु तेरा सेवकाई के लिए उन्होंने मदद किया। Support them. उनको मदद करें। Whatever they have as desires in their heart, make it come to pass. उनके हृदय की इच्छाओं को तो पूरा करें। Let it come upon their family. प्रभु उनके परिवारों के ऊपर आशीष आए। Come upon their government. इस सरकार के ऊपर आए। Come upon their ministry. उनकी सेवकाई के ऊपर आए। All the blessings in double measure. सभी आशीषें दुगना स्तर से। We love you, Lord. प्रभु हम तुझसे प्यार करते हैं। No evil should ever touch them or their home. और कोई भी बुराई उनको या उनके परिवार के ऊपर ना हो। Please, Master. कृपया मालिक।
Fill their bodies with peace. उनके शरीर में तू शांति दे. Satisfy them with the finest wheat, finest blessing. और बेहतरीन आशीषों से उनको संपन्न करें. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. God bless you, my friends. मित्रों, प्रभु आपको आशीष दे. My soul.